good morning everybody in the last video we have studied the mixture characteristic of mixture and type of mixture that was the homogeneous and heterogeneous mixture so these all topic we have studied in the last video okay and today in this video we are going to discuss some of the very small topics and that topics are very important topics also and today, whatever the topic we are going to discuss, that maximum topics are going to start from the S onwards only. Likewise, solution, you can see here solution, solute, solvent, solubility, saturated, supersaturated, likewise. So many different topics today we are going to discuss, very small topics. So just listen it very carefully so that you should not have any confusion between the two topics, okay? नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द सॉल्यूशन तो हम लोग एक करें डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन है ना तो सॉल्यूशन जो एक वर्ड है बहुत ही कॉमन वर्ड है आप लोग बहुत पहले से ये वर्ड पढ़ते आ रहे हो ठीक है ना लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में ये जो सॉल्यूशन है उसका डिफिनेशन क्या है और ये एक्चुअल में है क्या ठीक है देखो तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि सपोज करो कि आपके पास कोई भी दो अलग अलग सब्सटैसेज है वो सब्सटैसेज आपको सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं गैसेज भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है मतलब कोई भी मैटर हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैसेज कुछ भी हो सकता है अगर वो सब्सटैंसेज या वो मैटर अगर आपस में आप कंबाइंड करते हो और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो वैसे सब्सटैसेस को जब आपस में प्रॉपरली मिक्स करते हो जो कि आपस में किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं है ना और उनको अगर एक प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाए ताकि एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तो वैसे मिक्सचर को जो होमोजीनस मिक्सचर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन तो देखो मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ कि इफ टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर इफ़ मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर इट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटैसेज जो कि सॉलिड लिक्विड गैसेस कुछ भी हो सकते हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं अगर उसको आपस में आप एक प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हो ताकि वो एक होमोजीनस मिक्सचर बनाएँ तो वैसे मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे आप एयर को भी एक तरह का जो एयर जो हम लोग मिक्सर बोलते हैं वो एक तरह का सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो उसको क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग 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 गैसेस प्रेजेंट होते हैं है ना अगर आप मिल्क और वाटर को मिला दो तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है क्योंकि मिल्क और वाटर प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है अगर आप शुगर को अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर दो तो वो भी एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि हर एक जगह शुगर का क्वांटिटी बिल्कुल सेम होता है तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर है है ना और शुगर और वाटर आपस में रिएक्ट भी नहीं करते हैं तो कोई भी सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं उनका अगर आप एक होमोजिनस मिक्सचर बनाते हो तो वही उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप यहाँ पे देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप देखो सॉल्यूशन के केस में मैंने यहाँ आपको बताया कि टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस लेकिन अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सारे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है वो देखो अगर आप कोई भी अगर एक सॉल्यूशन बनाते हो तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही दो ही कंपाउंड्स प्रेजेंट होने चाहिए दो ही कंपाउंड तो अगर दो कंपाउंड को मिला कर एक कंपाउंड compound, दो कंपाउंड्स को मिला करके एक आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन जैसे आप आपके पास मान लो वाटर है उसमें आप शुगर डाल दो तो उसमें दो सब दो अलग अलग कंपाउंड्स हो गए वाटर और शुगर अगर आप उसमें सॉल्ट भी डाल दोगे तब वो बाइनरी नहीं रह जाएगा है ना तो बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ उसमें दो ही चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए ठीक है अब देखो तो कोई भी दो चीज़ों को मिक्स करके जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो तो उन दोनों कंपाउंड्स को जो आप मिक्स कर रहे हो तो जिसका भी क्वान्टिटी कम होगा सॉल्यूशन में उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और जिसका भी क्वान्टिटी ज़्यादा होगा वो होगा सॉलवेंट मतलब जब भी आप एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार करते हो जब भी एक आप होमोजीनस सॉल्यूशन तैयार करते हो तो उस सॉल्यूशन में जिसका भी क्वांटिटी कम होगा वो होगा सॉल्यूट और जिसका भी क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो होगा आपके लिए सॉल्वेंट, ठीक है तो देखो इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट

तो अब देखो दोनों में से क्वांटिटी किसका कम है शुगर का कम है तो इसका मतलब शुगर जो हो गया इस सॉल्यूशन के लिए हो गया सॉल्यूट और वाटर जो है ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो हो गया सॉल्वेंट ठीक है लेकिन कभी अगर कोई एक ऐसा आप एक सॉल्यूशन बनाते हो जिसमें कि दोनों इक्वल इक्वल है जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 50 ग्राम वाटर है और उसमें आप 50 ग्राम शुगर भी डिजॉल्व कर दिए तो किसी एक को भी आप सॉल्यूट और किसी दूसरे को भी आप एक सॉलवेंट मान सकते हो ठीक है तो आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि किसी भी एक सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट और सॉलवेंट को ऐड करेंगे तो हमेशा वो सॉल्यूशन के इक्वल आएगा ठीक है और नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक नोट करके मैंने लिखा है कि वाटर इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं क्योंकि देखो बिकॉज इट हैज़ एन एबिलिटी टू डिज़ोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटैसेज इन इट इसका मतलब ये हुआ वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि आप देखोगे वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वाटर में आप बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को वाटर में आप डिज़ोल्व कर सकते हो तो वाटर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो अलग अलग सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकता है इसलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं ठीक है देखो कि वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ एन एबिलिटी टू डिज़ोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट मतलब वाटर अपने आप में बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटैसेज को अपने अंदर डाल सकता है मिला सकता है डिज़ोल्व कर सकता है इसलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉलवेंट बोलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैचुरेटेड और अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन ठीक है ना तो पहले ये वर्ड्स को हम लोग देखते हैं कि ये सैचुरेटेड और अनसेचूरेटेड वर्ड क्या होता है ठीक है तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ या एक छोटा सा एक एक्टिविटी बताता हूँ ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सको ठीक है अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है ठीक है उस एक गिलास वाटर में मैं आपको बोलूँगा कि आप एक टी स्पून शुगर है उसमें डिज़ोल्व करो तो आप आराम से एक टी स्पून शुगर को आराम से उस ग्लास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हो ठीक है मैं फिर बोलूँगा आप एक चम्मच और उसमें शुगर डिज़ोल्व करो तो आप एक चम्मच और शुगर उसमें डिज़ोल्व किए फिर मैं बोलूँगा एक चम्मच और डिज़ोल्व करो तो आपने एक चम्मच और डिज़ोल्व किया ऐसे करते 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 एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि उसके बाद मैं बोलूँगा कि इसमें और डिज़ोल्व करो तो आप और डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे लेकिन उस ग्लास में और भी शुगर अब डिज़ोल्व नहीं हो सकता है तो वैसा जब कंडीशन आ जाएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में कोई दूसरा सब्सटेंस जो आप डिज़ोल्व कर रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप और उसमें ऐड नहीं कर सकते हो तो वैसे सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सैचूरेटेड का मतलब होता है कि अब जो इस कंडीशन में है बिल्कुल उसी कंडीशन में रहेगा उसका कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ सैचरेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इफ नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन द सॉल्यूशन एट अ फिक्स टेम्परेचर मतलब किसी भी एक फ़िक्स टेम्परेचर में अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में ऐड नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब वैसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं सैचरेटेड सॉल्यूशन लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है फिक्स टेम्परेचर क्योंकि आप देखोगे कि अगर मैं टेम्परेचर को इनक्रीज़ करूँगा तो मैं और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकता हूँ जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखो वही ग्लास ऑफ वाटर देखो तो एक ग्लास ऑफ वाटर में आप एक एक करके टी स्पून आप ऐड करते जा रहे थे शुगर का और डिजॉल्व करते जा रहे थे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप देखोगे कि उसमें अगर और ज़्यादा टी स्पून आप शुगर का डालोगे तो वो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होगा लेकिन आप अगर वही जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा आप गर्म कर दो तो अगर उसमें आप गर्म कर दोगे गर्म कर दोगे अब आप देखोगे कि थोड़ा और ज़्यादा शुगर को आप उसमें ऐड कर सकते हो तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो जब भी कभी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब उस समय उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो फिक्स होना चाहिए वो ज़्यादा मतलब वो चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सॉल्यूट को आप ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन में वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाओगे तो हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं इसीलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन के समय याद रखना है कि टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रखना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ज्यादातर ये नॉर्मल हो रूम टेम्परेचर ही रखते हैं ठीक है तो देखो इफ नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ सॉल्यूशन एट अ फिक्स टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक है अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जस्ट उसका उल्टा है जस्ट रिवर्स है देखो इफ मोर अमाउंट Of solute that can be added in the solution at a fixed temperature, it is called unsaturated solution. मतलब किसी भी एक सॉल्यूशन में अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को अगर ऐड कर सकते हो तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन अभी अनसेचुरेटेड कंडीशन में है क्योंकि उसमें और ज़्यादा हम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं ठीक है तो मान लो एक ग्लास वाटर है उसमें आपने दो चम्मच शुगर को डिज़ोल्व किया ठीक है लेकिन उसमें भी और शुगर को मैं डिज़ोल्व कर सकता हूँ इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है अभी अनसेचुरेटेड है क्योंकि उसमें भी और ज़्यादा मैं सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता हूँ ठीक है तो इफ़ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ सॉल्यूशन एट अ फिक्स टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब देखो ये सैचुरेटेड था अनसेचुरेटेड था अब आता है सुपर सैचरेटेड अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसेप्ट कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ सैचुरेट आप समझ गए कि सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि एक फ़िक्स टेम्परेचर पे मैं और ज़्यादा सॉल्यूट को मतलब किसी भी जो जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो किसी भी एक सॉल्यूशन में आप और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हो तो वो क्या हो गया सैचुरेट लेकिन अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो तो इसका मतलब वो अनसेचुरेट और मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर क्या होता है फ़िक्स होता है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैं और ज़्यादा उसमें ऐड कर सकता हूँ सॉल्यूट ठीक है तो मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूँ ताकि ये चीज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओ ठीक है जैसे वही एक ग्लास ऑफ़ वाटर था तो मान लो कि रूम टेम्परेचर है मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में सपोज करो कि मैं टू टी स्पून, मैंने उसको शुगर को डिज़ोल्व किया वाटर में डिज़ोल्व हो गया मैं थोड़ा और शुगर को डिज़ोल्व किया वो हो गया लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अब देखोगे उसमें और शुगर डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, है ना इसका मतलब वो सॉल्यूशन पहुंच गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेकिन अगर उस सॉल्यूशन को अगर मैं हीट करता हूं जैसे उसको गर्म करता हूं मैं देखता हूं क्या कि मैं थोड़ा और शुगर ऐड कर सकता हूं तो मैंने थोड़ा थोड़ा और शुगर को ऐड किया जब वो डिज़ोल्व हो गया मैंने थोड़ा और शुगर को उसमें डाला तो वो भी डिज़ोल्व हो गया लेकिन ऐसे करते करते आप टेम्परेचर बढ़ाते गए और शुगर को ऐड करते गए लेकिन फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओगे अब उसमें और ज़्यादा मैं शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकता हूँ तो उस कंडीशन में जब वो सॉल्यूशन आ जाएगा तो वो आपके लिए हुआ सुपर सेचूरेट सॉल्यूशन मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को अगर उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो तो वो हो गया आपके लिए सुपर सॉल्यूशन तो देखो इफ नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन इवन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज इंक्रीज देन द सॉल्यूशन इज सेट टू बी सुपर सैचुरेटेड मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर आप और ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्यूशन so, में डिजोल्व नहीं कर सकते हो इसका मतलब वो सॉल्यूशन अब सुपर सैचरेटेड कंडीशन में पहुँच गया है. मतलब अब उसमें कुछ और भी डिजोल्व नहीं किया जा सकता है टेम्परेचर को बढ़ा करके ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सॉल्युबिलिटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है ठीक है देखो तो कोई भी एक सब्सटेंस है कोई भी एक सब्सटेंस मान लो कि मान लो एग्जांपल लेता हूँ शुगर कोई तो अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे वो आराम से डिसॉल्व हो जाता है है ना ये तो मुझे मैं मैंने बताया एग्जांपल में तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी भी एक सब्सटेंस का आपको अगर सॉल्युबिलिटी चेक करना है कि उसका सॉल्युबिलिटी कितना है तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है हंड्रेड ग्राम वाटर 100 ग्राम आप वाटर लो उस 100 ग्राम वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब रूम टेम्परेचर पे रखें ठीक है तो एक ग्लास में मैं वाटर लिया हूँ कितना वाटर है 100 ग्राम वाटर है ठीक है और वो रूम में है बिल्कुल रूम टेम्परेचर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस अब मैं उसमें शुगर डिजोल्व करूंगा और शुगर तब तक डिजोल्व करूंगा जब तक कि वो सैचूरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए तो मैं जितना भी सुगर उसमें ऐड करता हूं जितना भी शुगर ऐड करता हूं ताकि वो आपका सैचरेट कंडीशन में ना पहुँच जाए तो वो जो शुगर का क्वान्टिटी होगा वो मेरे लिए हो जाएगा सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर तो वैसे करके मैं सॉल्ट का भी चेक कर सकता हूँ किसी और सब्सटैंस का भी चेक कर सकता हूँ तो सॉलिबिलिटी का बेसिक ये मतलब होता है कि हंड्रेड ग्राम वाटर में वो सब्सटैंस को आप कितना डिजोल्व कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे कोई भी एक सब्सटेंस को 100 ग्राम वाटर में जितना आप डिजोल्व करते हो वही उसके लिए होता है सॉलिबिलिटी ठीक है तो देखो मैंने क्या लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन ग्राम मतलब जो डिजोल्व कर, कर रहे हो वो ग्राम मिलना चाहिए कितना चार ग्राम पांच ग्राम दस ग्राम कितना ग्राम आप डिजोल्व कर रहे हो आप हंड्रेड ग्राम वाटर में हंड्रेड ग्राम वाटर में आप कितना ग्राम सॉल्यूट का डिजोल्व कर रहे हो है ना तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट कैन बी डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर तो हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर में कोई भी सब्सटेंस ऐड कर रहे हो उसका मैक्सिमम आप कितना ऐड कर सकते हो एट एन टीपी एन का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेपरेचर एंड प्रेशर मतलब रूम टेम्परेचर ठीक है द सॉबिलिटी तो रूम टेंपरेचर पे हंड्रेड ग्राम वाटर में कोई भी सब्सटेंस आप वाटर में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर सकते हो वही होता है सोलबिलिटी ठीक है एग्जाम्पल देखो सोडियम क्लोराइड एनएससीएल जो हम लोग घर में सॉल्ट यूज करते हैं आप चेक करना 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम मैक्सिमम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो 36 ग्राम से ज़्यादा आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो लेकिन आपको याद रखना है टेम्परेचर ज़्यादा नहीं 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और शुगर कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं 204 ग्राम मतलब शुगर जो है 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में कितना शुगर डिजोल्व कर सकते हैं टू ग्राम तो इसका मतलब जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड उसका सॉलबिलिटी कितना हुआ थर्टी ग्राम शुगर का कितना हुआ टू ग्राम ठीक है और सॉलिबिलिटी जो होता है वो दो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है कौन कौन नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग सॉलिबिलिटी होता है जैसे देखो सॉल्ट बहुत कम डिजोल्व कर सकते हैं लेकिन सुगर देखो बहुत ज्यादा डिजोल्व कर सकते हैं वैसे सॉल्वेंट वाटर जो होता है वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है आपको ये पता है कि हर एक जगह बिल्कुल अलग अलग टाइप का वाटर मिलता है तो कि कोई कोई वाटर का कंडीशन बहुत अच्छा होता है तो उसमें सॉलिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा आप डिजोल्व कर सकते हो तो मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलवेंट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें मेरा सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है और थर्ड टेम्परेचर अगर कभी मान लो कि कभी विंटर का टाइम है और कभी विंटर का टाइम है कभी समर का टाइम है तो उस केस में थोड़ा बहुत सॉलिबिलिटी जो है फ्लक्चुएट करेगा क्यों क्योंकि समर के टाइम में रूम टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा और अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किसी सब्सटेंस को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं लेकिन विंटर के टाइम में टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो वो सब्सटेंस और कम ऐड होगा अब सिंपल सा देखो आप एक गर्म पानी लो और एक ठंडा पानी लो ठीक है ना दोनों में आप एक एक टी स्पून आप शुगर डालो तो देखो गर्म पानी में वो इजीलि डिज़ोल्व हो जाएगा लेकिन ठंड ठंड पानी ठंडे वाले पानी में थोड़ा टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में तो सॉलिडिटी जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है तो ये बहुत सारे टॉपिक्स को आज हम लोगों ने डिस्कस किया आई होप ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से समझ गए हो थैंक यू वेरी मच